वेलकम टू डिजायर क्लासेस। मैं पवन गुप्ता हाजिर हूँ आपके लिए यूपी पुलिस टॉप 500 क्वेश्चन में। और आज का हमारा सीरीज है वो आपका है क्वेश्चन नंबर 2 का, यानी कि आपने हमारा प्रीवियस वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 1 को, जो प्रॉब्लम हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन से था और यूपी पुलिस का री एग्जाम 2018 का पूछा हुआ क्वेश्चन था। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे अपने प्रॉब्लम नंबर 2 की, और ये क्वेश्चन भी हमारा यूपी पुलिस 2018 री एग्जाम का पूछा हुआ ही क्वेश्चन है। यानी कि जो हमारा ये सीरीज है इसमें हम आपको प्रीवियस ईयर के पहले एक पेपर पूरा कंप्लीट सॉल्व करा लूंगा, देन आपके दूसरे ईयर का पेपर सॉल्व कराऊंगा। यानी कि मैं 2018, 17, 16 ऐसे करके हम लोग कंप्लीट पेपर को सॉल्व करते जाएंगे, जो भी आप हमारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है। तो इस तरह से आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो मैं बस आपसे यही बोलूंगा कि आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, बने रहिए, और जो भी एस्पायरेंट्स यूपी पुलिस 2018 की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं टिल एग्जाम तक इतना कुछ दूंगा आपको यूपी पुलिस के लिए कि आपकी सफलता निश्चित है। बस आपको क्या करना है, हमारे साथ बने रहना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे रेगुलर अपडेट्स के लिए। और आपको जो चीज भी अच्छी लग रही है तो लाइक कमेंट करना ना भूलें। अगर आपको कोई चीज अच्छी नहीं लग रही है तो प्लीज कमेंट करके आप हमें बताइए, और कोई भी चीज आपको डिमांड है कि सर हमें ऐसे चाहिए वैसे चाहिए तो प्लीज आप कमेंट करिए, फिर उस पर हम विचार करेंगे और उसके हिसाब से आपके लिए प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो आइए आज बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, और ऐसे ही हम कवर करेंगे पूरे 500 क्वेश्चन। सोच लीजिए 500 क्वेश्चन की पूरा कंप्लीट सीरीज है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज है, जो आपको एक जगह मिलने वाला नहीं है। दूसरी चीज विद सॉल्यूशन विद ट्रिक, यानी कि हम आपको कॉन्सेप्ट प्लस फॉर्मूला प्लस ट्रिक तीनों बताने वाले हैं कि कितने कम टाइम में आप एग्जाम को कितने कम टाइम में आप एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, और फास्ट वे में सॉल्व करेंगे तो आपका टाइम सेव होगा, जिससे कि आप कंपटीशन में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करके और आप अपने मुकाम को हासिल कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, और मैं आपको बता दूं कि ये प्रॉब्लम नंबर 2 भी हमारा रेशियो का प्रॉब्लम है, और आपने क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा, देख लिया होगा, समझ लिया होगा। और सोचिए जरा कि क्या हमारा यूपी पुलिस के एग्जाम में इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं। जी हाँ, ये बिल्कुल सही बात है कि ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे हुए हैं। 2018 के लेटेस्ट प्रॉब्लम को मैं डिस्कस कर रहा हूं। अब जरा आप सोचिए कि इस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और उसके बाद भी आप लोगों का सिलेक्शन नहीं हो पाता है, रीजन क्या है? रीजन ये है कि इस छोटे से छोटे प्रॉब्लम में भी आप लोग मिस्टेक कर बैठते हैं, जो कि अब आप नहीं करेंगे। तो दोस्तों आइए डिस्कस करते हैं कि इस तरह के प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि 264 को 31:13, देखिए क्वेश्चन में दम नहीं है लेकिन ये वर्ड बहुत कंफ्यूजिंग है। देखिए अब जो डिजिट लिखा है 31:13, बहुत लोग जल्दबाजी में इसको 31 और 31 पर डालते हैं, दो पार्ट में डिवाइड कर, बस ऐसा नहीं है। आप कभी भी क्वेश्चन को करते समय जरा ध्यान से पढ़िएगा कि क्या जो लिखा हुआ है वही चीज आप कर रहे हैं या कुछ अलग कर रहे हैं। जब आप कुछ अलग कर रहे होते हैं तभी आपका आंसर गलत होता है। तो आपको 264 को इस रेशियो के अनुपात में कह रहा है कि विभाजित किया जाता है, तो छोटे भाग का मान क्या होगा? तो दोस्तों आपको 264 को इस अनुपात में बांटना है, यानी कि 31:13 के अनुपात में बांटना है, और किसको? तो 264 को। तो दोस्तों आपको दिख रहा होगा कि 31 जो है ये बड़ा नंबर है और 13 हमारा छोटा नंबर है, यानी कि हमें क्या करना है कि 264 को दो पार्ट में बांट देना है। पहला पार्ट हमारा 31 होगा और दूसरा पार्ट हमारा 13 होगा, और जो 13 पार्ट का मान होगा वही आपका आंसर होगा। तो दोस्तों आइए हम बता देते हैं आपको कि इस तरह के प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ये 264 को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, इसको आप पहले जोड़ दीजिए 3 × 1 = 4 और 3 × 1 = 4, यानी कि टोटल जोड़ने पर आपको 44 आएगा। तो अगर 44 आ रहा है तो आप ऐसा करिए कि 264 को 44 पार्ट में डिवाइड करिए, यानी 264 को ऐसे पार्ट में डिवाइड करिए कि 44 पार्ट आपका बन जाए। तो डिवाइड करने का बेस्ट तरीका क्या होगा, तो एक का मान निकालेंगे तो 264 / 44, यानी कि अगर आप 264 को 44 से डिवाइड कर देते हैं तो आपका एक पार्ट का मान मिल जाएगा।
तो आपको इसको डिवाइड कैसे करेंगे दोस्तों? तो पहले आप चाहे तो 4 से सिंपलीफाई कर दीजिए या तो फिर आप डायरेक्ट डिवाइड कर दीजिए। तो चलिए पहले मैं 4 से इसको सिंपलीफाई कर देता हूँ। 6 चौका 24 और उसके बाद क्या बचेगा, 2 और 4 6 चौका 24 यानी कि ये बन जाएगा आपका 66। और जब इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो दोस्तों आएगा 11 11 चौक 44। अब आप 66 को 11 से डिवाइड करेंगे दोस्तों तो क्या मिलेगा, 6। यानी कि आपने 264 को 31:13 में बांटने के लिए आपने सबसे पहले एक पार्ट का मान निकाल लिया, यानी एक पार्ट आपका 6 के बराबर आया। अब अगर आपसे छोटा पार्ट पूछा है तो आपको 13 पार्ट का मान निकालना है। अगर आपसे बड़ा पार्ट पूछता तो आप 31 को 6 से गुणा करते तो आपको बड़ा पार्ट का मान मिल जाता। तो दोस्तों मैं आपको यहां पे बता देता हूं कि छोटा पार्ट क्या आएगा, बड़ा पार्ट क्या आएगा और इसके अलावा आपके एग्जाम में इस पे और कौन सा क्वेश्चन पूछ सकता है। तो देखिए 13 पार्ट का मान निकालेंगे तो 13 × 6 करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 36 18 का 8 कैरी 1 और 6 एकम 6 और 3 सॉरी 6 एकम 6 और 1 7 तो 13 6 78 आएगा। तो इस तरह से आपका आंसर तो मिल गया कि 13 6 78 और ये हमारा सबसे छोटा पार्ट होगा और आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया भी हुआ है 78 यानी कि 13 6 78 आप टिक करके और आगे बढ़ सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर होगा 78। लेकिन दोस्तों थोड़ी देर रुक जाइए, मैं आपको बता दूं कि अगर बड़ा पार्ट पूछता तो आप क्या करते, तो बड़ा पार्ट निकालने के लिए आप 31 का मान निकालते तो एक पार्ट बराबर 6 तो 31 पार्ट का मान हो जाता आपका 31 × 6 तो इस तरह से आपका आंसर बन जाता 6 एकम 6 और 36 18 यानी 186। अब आप चाहे तो दोनों को जोड़ के देख सकते हैं कि दोनों मिलके 264 हो रहा है कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा, एक सेकेंड, 18 7 25 6 एकम 6 36 18 13 6 78 8 6 14 का 4 कैरी 1 और 8 7 15 और 1 18 7। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल सही है क्योंकि जब हम इसको ऐड करेंगे तो 8 6 14 का 4 कैरी 1 आएगा और 18 7 25 और 1 26 बिल्कुल ठीक है, 264 बन जाएगा। कोई इशू नहीं है, मुझे लगा कि कोई कंफ्यूजन है बट ऐसा नहीं है। तो आपने देख लिया कि 13 पार्ट का मान 78 मिला और 31 पार्ट का मान 186 मिलेगा। तो अगर छोटा पार्ट पूछा है तो 78, बड़ा पार्ट पूछता तो आप क्या टिक करते दोस्तों, 186। और मैं आपको बता दूं कि इस तरह के प्रॉब्लम में आपसे ये पूछ लेता कि बताइए कि दोनों पार्ट के बीच में अंतर कितने का है, यानी छोटे पार्ट और बड़े पार्ट में कितने का अंतर आएगा। तो देखिए मैं आपको अंतर निकालने का तरीका बता देता हूं कि अगर अंतर निकालना होता तो हम क्या करते, आपने 1 पार्ट का मान क्या निकाला 6, यानी 1 पार्ट आपका 6 के बराबर है। तो अंतर फाइंड करने के लिए आपको यह करना होगा कि 31 और 13 में पहले अंतर देखिए कि 31 और 13 में कितने का अंतर है। तो दोस्तों आपको अंतर निकालने के लिए 31 में से 13 को घटा देना होगा। तो दोस्तों आप मन में सोच के बताइए कि 31 में से 13 घटाएंगे तो क्या आएगा, क्योंकि हमारा टारगेट होता है कोई भी चीज को हम मन में सोचेंगे, हम हर इसके लिए पेन नहीं उठाएंगे। तो देखिए दोस्तों डिफरेंस आपका 18 का आएगा, आप देख लीजिए 18 में 13 जोड़ के देख लीजिए आपको 31 मिल जाएगा। तो आपसे अगर डिफरेंस पूछेगा तो एक पार्ट बराबर 6 तो 18 पार्ट का मान निकालने के लिए 18 × 6 कर दीजिए तो आपको आंसर मिल जाएगा 8 6 48 का 8 कैरी 4 और 6 एकम 6 और 4 10। तो इस तरह से दोनों के बीच डिफरेंस क्या मिलेगा, 108। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अभी आपने बड़ा पार्ट निकाला था 186 और छोटा पार्ट का मान निकाला था आपने 78। अब आप यहां से भी चेक कर सकते हैं कि दोनों में डिफरेंस कितने का आएगा, यानी कि बड़े पार्ट और छोटे पार्ट में कितने का अंतर है। तो आप देखिए कि 16 में से 8 घटाते तो आपको क्या मिलता, 8 और ये बच जाता 17 और 17 में से 7 घटाते तो सीधे मिलता हमें 10 और इस तरह से आपको मिल जाता 108। तो आपको समझ में आ गया होगा कि बड़े पार्ट और छोटे पार्ट का अंतर हमारा 108 का है। और अंतर निकालना होगा तो हम बड़ा पार्ट छोटा पार्ट निकाल के नहीं निकालेंगे, हम सीधे इन दोनों का अंतर निकाल के और एक पार्ट का मान निकाले हैं तो उसमें सीधे गुणा कर दिया जाएगा तो क्या मिल जाएगा, दोनों के बीच का अंतर। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 2 भी समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से अभी मैं पूरे 500 क्वेश्चन कवर करूंगा जिसमें से हम लोगों ने 2 क्वेश्चन कवर कर लिया। अब हमारा कितना बचा है दोस्तों, 498 प्रॉब्लम, यानी टिल एग्जाम तक आपका मैं कवर कर दूंगा, कंप्लीट कर दूंगा।
दूंगा और इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। आप एग्ज़ाम में जाएंगे तो आपको लगेगा कि नहीं मुझे सब आता है। ठीक है दोस्तों, तो फिर मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन सब्सक्राइब लाइक और कमेंट करना ना भूलें।